टिमोलेट आई ड्रॉप, इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एक ही कंटेंट डाला गया है जो कि टिमोलेट मैलेट IP5MG डाला गया है, तथा इसके अंदर कोई अदर कंटेंट नहीं डाला गया, तथा ये सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, तथा इसका MRP की बात करें तो इसका MRP 65.31 रुपीज़ है। तो ये टिमोलेट आई ड्रॉप कब डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है, तथा इसका क्या बेनिफिट है, तथा इसको कब तक यूज करना चाहिए, तथा इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वो सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। तो टीमोलेट आई ड्रॉप जिसके अंदर कंटेंट है टीमोलोल मैलेट जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, तथा ये क्या कर देता है कि ये जब आपकी आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है, तब इसको दिया जाता है, तथा ये प्रेशर को कम करता है, ऑकुलर हाइपरटेंशन प्रेशर को जो कि ऑप्टिक नर्व के लिए डैमेज करता है, तो उसको जिसका नाम है ग्लाइकोमा, तथा ये अगर आपको इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आपको ग्लाइकोमा करके एक डिसीज है वो हो जाता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है आपको रोशनी देखने के लिए, तथा ये कम जो भी आपके आंखों के ऊपर जो प्रेशर रहता है तो उसको कम कर देता है, तथा आपको विजन लॉस का कम खतरा रहता है तो इस ड्रॉप का। तो अगर आपको कभी भी आपके आंखों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, अदरवाइज आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो गई तो आप देख नहीं पाओगे। तो टीमोलेट आई ड्रॉप को डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाने वाला आई ड्रॉप है, तथा इसको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने का है, अगर आपको डॉक्टर जब तक नहीं बोले तब तक इसको बंद नहीं करने का है, और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए कि अगर आप इसे खुद से यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकता है, आई पेन हो सकता है, और इचिंग हो सकता है, और स्वेलिंग हो सकता है आँख के पास में, तो आपको इसको खुद से यूज़ नहीं करने का है, अगर आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसको ओपन करके देखते हैं कि ये ड्रॉप कैसा दिखता है अंदर से। तो अंदर से कुछ इस तरह का ये ड्रॉप दिखता है जो कि कलरलेस होता है, आप इसे जब भी परचेज करें तो इसका सील पक्का देखें, सील ओपन रहे तो आप परचेज ना करें, और फार्मासिस्ट को बोले कि ये सील ओपन है, अदरवाइज आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और जब तक डॉक्टर बोले तब तक कंटिन्यूसली इसको यूज़ करें, और 15 से 20 दिन यूज़ करने के बाद अगर आपको आँखें ठीक हो जाती है फिर 2 महीने के बाद वापस कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आँखें बहुत सेंसिटिव रहती है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करें। और चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।